हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन बार्डिंग। आज हम लोग देखेंगे कि आप अपने बार्ड को एक्टिव कैसे रहे और उसको खाने में न्यूट्रिशन डाइट आप कैसे दें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स और स्प्राउटेड सीड्स एक साथ दे देते हैं, तो क्या होता है, इसमें बार्ड डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसको लूज मोशन हो जाता है। और देखता हूँ कि हांडी में इतना लूज मोशन होता है कि बच्चा जो चीक्स रहता है ना, वो पॉटी के साथ ही रहता है, तो इसमें चीक्स को मारने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले आता है दोस्तों बॉयल्ड राइस। देखो बॉयल्ड राइस में कैलोरीज है बहुत अच्छी मात्रा में, उसमें फाइबर है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन भी है। ठीक है, बार्ड्स को बॉयल्ड राइस बहुत एसेंशियल है, मगर ये आप ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है ना, तो आप हफ्ते वीक्स में एक या दो बार ही दे सकते हो। दोस्तों हार्ड बॉयल एग, अब अंडे को बहुत देर तक बॉयल कीजिए। ठीक है, इसमें आपको कैलोरीज बहुत अच्छा मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, और अंडे के छिलके में आपको आपके बार्ड को कैल्शियम भी मिल जाता है, मगर ये बार्ड को आप हफ्ते में दो बार ही दे सकते हो इस गर्मी में। अब सर्दी में तो तीन या चार बार दे सकते हो, मगर गर्मी में हफ्ते में दो बार ही दे सकते हो इसको। अंडे के छुलके का क्या करना है, एक छाली में आपको टुकड़ा कर लेना है, ऐसे घिस घिस के छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है ऐसा। ठीक है, इसे क्या होता है, बाट को इसको खाने में आसानी होती है। फिर आता है दोस्तों कैरोट। कैरोट में आपके बाट को विटामिन ए, सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, मगर ये ज़्यादा नहीं दे सकते आप। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ आपके बार्ड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको लूज मोशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसको भी घिस घिस के छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना पड़ेगा। तो इसमें आपके बार्ड को जो जो एसेंशियल चीज़ चाहिए अपने बार्ड को एक्टिव रहने के लिए, वो सब कुछ आपके बार्ड को मिल जाएगा। इसमें और कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई वेजिटेबल, ना कोई फ्रूट्स, ना कोई स्प्राउट, नथिंग। ये तीनों देने से ही आपके बार्ड को न्यूट्रिशन डाइट मिल जाएगा। इन लोगों को अच्छी तरह से मिला देना है। ठीक है, देखो इसमें अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें तो आपके बार्ड को सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, मगर फिर भी आपके बार्ड को इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ज़रूरत होगी। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत कम मात्रा में रहता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसके साथ आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है। आप कोई भी विटामिन, मल्टीविटामिन जो होता है ना, आप कोई भी मल्टीविटामिन इसके साथ मिला सकते हो, मगर बहुत कम मात्रा में, 3 to 4 drops। ठीक है, मैं भाई मिनरल यूज़ करता हूँ, आपके पास जो भी बी कॉम्प्लेक्स वाला विटामिन है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मगर ज़्यादा नहीं देना है। देखो मैं कितना देता हूँ, लेके थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेके 3 to 4 drops। ठीक है, 3 to 4 drops इसमें देना पड़ेगा, बस हो गया। अब इसको क्या करना है, अच्छी तरह से मिला देना है, जो विटामिन में दिया ना, तो उसको अच्छी तरह से इसको मिला देना है, तो आपका न्यूट्रिशन डाइट आपके बार्ड के लिए बन जाएगा। अच्छी तरह मिलाना है, मगर ये क्या हो रहा है, विटामिन को पूरा जो खाना बन रहा है ना, पूरा खाना में विटामिन को मिला देना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों ये आपके बार्ड बहुत शौक से खाएगा और इस खाने से आपके बार्ड को एसेंशियल न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह से मिल जाएगा, जिसके आपके बार्ड एक्टिव और हेल्दी रहेगा और उसको लूज मोशन होने का चांस भी कम रहेगा। ठीक है, आज मैं दोस्तों अपने बार्ड हाउस पे कुछ कोकोनट ट्री था, उसे कुछ कोकोनट तोड़ लिया, वही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो ये रस्सी, ये थोड़ा कोकोनट मैंने तोड़ लिया, ये काट रहा है, यही वो पेड़ पे चढ़ के कोकोनट, मेरा कोकोनट सब तोड़ दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। इधर थोड़ा कोकोनट ट्री है जिससे थोड़ा कोकोनट मिल जाए।